जम्मू कश्मीर चुनाव, सुचेतगढ़ विधानसभा सीट करण, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बसा है इलाका, सीमा पार से गोलीबारी के डर के बिना तीसरे चरण में होगी वोटिंग, बुनियादी मुद्दों का हल चाहते हैं वोटर। इस बार के चुनाव में अहम मुद्दा सुरक्षित नहीं बल्कि वो मुद्दे जिनसे उन्हें रोजाना जूझना पड़ता है। खेत के लिए पानी की सप्लाई और बिजली की कमी जैसे मुद्दे खास, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पहला चुनाव, भाजपा कांग्रेस और डीपीएपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला, भाजपा के घरू राम तीसरी बार जीत की कोशिश में, घरू राम को कांग्रेस के भूषण लाल और डीपीएपी के आजाब सिंह से मिल रही कड़ी टक्कर। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जम्मू जिले के सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होने के बाद यहां पहली बार चुनाव हो रहा है। परिसीमन के बाद यहां का राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है। जहां पहले जाट नेताओं का दबदबा था, जिन्होंने 1996 से चार में से तीन बार जीत हासिल की थी, अपने ऐतिहासिक और रणनीतिक महत्व के लिए मशहूर सुचेतगढ़ में भाजपा कांग्रेस और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के करण सिंह और बहुजन समाज पार्टी के बिशन दास सहित दो महिलाएं भी कुल उम्मीदवारों में शामिल हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में सुचेतगढ़ विधानसभा सीट में वोट डाले जाएंगे। वोटिंग से पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बसे इस इलाके में रहने वाले लोगों ने उन मुद्दों को उठाया है जिनका ताल्लुक उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से है। 1990 से लेके आगे 2018 तक लगातार फायरिंग चला। अब 2018 के बाद फायरिंग बंद है। यहाँ से पाकिस्तान के पास असला खत्म हो गया, यहाँ फिर उन्होंने कुछ समझ के किया। वो भी लोग तंग हैं, हमारे सीमापति के लोग भी तंग हैं, वो भी परेशान रहते हैं, हम भी परेशान हैं। जब फायरिंग होता है तब बच्चों को पीछे छोड़ना पड़ता है, तब पशु मरते हैं, लोग भी मरते हैं, कोई जख्मी हुए हैं, कोई कैसे हुए हैं, उनको गाड़ी नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, मोटरसाइकिल में बैठा के आरसपुरा जम्मू हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है या फिर BSF मदद करती है। फायरिंग हमारे 2019 के बाद नहीं हुई है और फेंक्शन लगा हुआ है। बॉर्डर पे हम पट्टे काटने के लिए जाते हैं, दार काट दिखाते हैं, पट्टे काट के घर आ जाते हैं। अभी फायरिंग का कोई मोल नहीं है। नहीं, सरकार ये लोग अपना काम करते हैं, जिम्मेदार लोग हैं, पशु पालते हैं, अपनी जिम्मेदारी करते हैं, सरकार से कुछ नहीं मिलता इनको। या कोई फसल खराब हो, शोर शार लोग डालते हैं, दे जा दो दो चार चार हजार रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया के नाल वो क्या है, जिम्मेदार का खर्चा नहीं पूरा होता, उसको क्या करना, करना काम तो करना ही पड़ेगा। अगर जिंदे रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। मुश्किल कौन देगा, कोई नहीं देता किसी को कुछ। बाकी लीडर लूटर अभी आ रहे हैं, जब इलेक्शन खत्म होगी उसके बाद कोई देखेगा भी नहीं। इधर बता दें कि इलाके के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब उन्हें हर वक्त सीमा पार से होने वाली गोलीबारी का डर सताता रहता था। इसका असर उनके रोज के कामकाज पर भी पड़ता था। कुछ गांव वालों का कहना है कि सरकार ने इलाके में सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर उनकी जो जमीन ली थी उसके एवज में उन्हें अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। समस्या है 73 का, हमारे गाँव के ऊपर एक बन बना है आर्मी ने, उसका आज तक हमें एक पैसा नहीं मिला। दूसरा है फेंसिंग लगी हुई है बॉर्डर के ऊपर, वो 2005 की लगी हुई है, आज तक हमें उसका भी पैसा कोई नहीं मिला है। कि हम यही चाहते हैं कि हमको पानी पूनी मिले, बम्बी टूबर लगा दें तो उससे हमारा कोई अपना हमारा मसला हल हो जाएगा। टूबर लग जाए, बम्बियाँ लग जाए तो उससे हमारा काम खेती का हो सकता अच्छा अच्छे तरीके से। समस्या पानी की है, दिक्कत, नहर आती नहीं, नहर पानी आवे तो दुनिया की समस्या जी हट जाती है। इस बार के विधानसभा चुनाव में खेत के लिए पानी की सप्लाई और बिजली की कमी जैसे मुद्दे उनके लिए सबसे पहले हैं। खेती से जुड़ी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी की बेहतर सप्लाई के साथ साथ कई गांव वाले इलाके में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने और बेरोजगारी दूर करने की आस नई सरकार से लगाए हैं। हॉस्पिटल नहीं है कोई, इधर कोई छोटी मोटी डिस्पेंसरी हो तो मलमपट्टी हो जाती है, वो भी नहीं है। सरकार से हम यही चाहते हैं हॉस्पिटल खोल दे, छोटे बड़े डॉक्टर बढ़ा दे, लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना कम करना पड़ेगा। यही छोटे मोटे गांव में होते हैं, बड़ी कोई काम तो उधर है नहीं है, कोई जनरल फैक्ट्री नहीं है, कोई किसी का कुछ धंधा नहीं। लोग जिम्मेदारी करते हैं अपनी, पशु पालते हैं, नौजवान पढ़े लिखे घर में बैठे हैं।
आपको बता दें कि सुचेतगढ़ में विविधतापूर्ण मतदाता हैं, जिसमें जाट समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें लगभग 45,000 मतदाता हैं, जो निर्वाचन क्षेत्र का सबसे बड़ा समूह है। वहीं अनुसूचित जाति जो अब सीट के आरक्षण के कारण निर्णायक है, उनका भी काफी चुनावी प्रभाव है। ऐतिहासिक रूप से जाट समुदाय से भाजपा के चौधरी श्याम लाल ने 2 बार सीट जीत कर अपना दबदबा बनाए रखा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।